मुख्यमंत्री कमलनाथ जी आईफा अवार्ड प्रदेश में करवा कर पता नहीं आप प्रदेश को कौन सी ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं, मगर शायद प्रदेश के लिए बेहतर ये हो कि उन ऊंचाइयों से नीचे उतरकर आप जमीनी हकीकत को देखें। छिंदवाड़ा मॉडल की तर्ज पर मध्य प्रदेश का विकास करने की बात कहकर आप सत्ता में तो आ गए, मगर सरकार आपके मॉडल छिंदवाड़ा के ही हाल खराब है। कमलनाथ के मॉडल छिंदवाड़ा में कल का भविष्य गढ़ने वाले स्कूली छात्रों के शासकीय स्कूल में पढ़ाने के लिए शिक्षक ही नहीं है और ना ही बच्चों के लिए कोई सुविधा है। सुनिए कमलनाथ जी, अब इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या होगी कि स्कूल की छात्राओं से शौचालय के लिए पानी ढुलवाया जा रहा है। तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती, शासकीय स्कूलों की ये तस्वीरें मुख्यमंत्री कमलनाथ के छिंदवाड़ा विकास की पोल खोल रही हैं। मुख्यमंत्री कमलनाथ जी, आइए आपको दिखाते हैं छिंदवाड़ा मॉडल की कुछ तस्वीरें। ये आपके विकास की कहानी कहती हैं। ये तस्वीरें आपके छिंदवाड़ा के परासिया के दरबई गांव में शासकीय स्कूल की हैं। ये आपके आईफा की चकाचौंध से बिल्कुल उलट हैं। हालात बेहद गंभीर हैं। मुख्यमंत्री जी, आप छिंदवाड़ा जिले को शिक्षा के क्षेत्र में ऊंचा बताते हैं, लेकिन तस्वीरें तो कुछ और ही बयां कर रही हैं। यहाँ के शासकीय स्कूल में शिक्षक यदा कदा ही मिलते हैं, पढ़ाई के नाम पर बच्चों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है, पढ़ने आए बच्चों से शौचालय के लिए पानी ढुलवाया जा रहा है। अब आप सुनिए कि स्कूल में पढ़ने वाली तीसरी कक्षा की छात्रा कह क्या रही है। पानी क्यों ला रहे थे बेटा? मैडम ही बोलती है। कौन सी मैडम? नागवंशी। कितने दूर से पानी लाते हो आप लोग? पास ही में, थोड़ा दूर। आप लोग पढ़ाई करने आते हो कि पानी ढोने आते हो यहाँ पर? पढ़ाई करने। तो फिर पानी क्यों बुलवाती मैडम? संदास में डालने के लिए। तो सुना आपने, तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली राजनंदनी कह रही है नागवंशी मैडम रोजाना संडास के लिए पानी ढुलवाती हैं। अब देखिए शिक्षकों के हाल, इनमें भी बच्चों को पढ़ाने में ज्यादा रुचि दिखाई नहीं देती। शिक्षक आए दिन स्कूल से गायब रहते हैं और पूछने पर पता चलता है कि वे शादी समारोह में गए हैं। अब प्रदेश में स्कूलों की शिक्षा का क्या स्तर है, यह तस्वीरें देखकर साफ हो जाता है। बच्चों की पढ़ाई से ज्यादा शिक्षकों का शादी में जाना ज्यादा जरूरी है। ये पानी आप लोग क्यों लाते हो बेटा? ये संडास में डालने के लिए। कौन बुलवाता है पानी? मैडम जी। कौन, क्या नाम है मैडम का? राजकुमार। और पीने का पानी? ये रोज पानी आप लोग से बुलवाते हैं? जी सर। मैडम कहाँ है नागवंशी मैडम? शादी में गई। स्कूल आई थी? जी सर। और शादी में चली गई? कितने बजे? 2 बजे। अब जब इस बारे में अधिकारियों से बात की गई तो अधिकारी ने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि उन्हें इस बारे में ज्यादा जानकारी ही नहीं है। अब अधिकारी को समस्या भी बता दी तो उनका जवाब सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। उन्होंने बड़ी ही मासूमियत से जवाब दे दिया कि स्वच्छता के तहत यह कार्य किया जा रहा होगा। अब सवाल यह है कि बच्चे पढ़ने आते हैं या स्वच्छता के नाम पर शौचालय के लिए पानी ढोने? अब आप ही बताइए कि बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार कहां तक सही है। हालांकि अधिकारी ने शिक्षक की गैर मौजूदगी में कार्य करवाए जाने की आलोचना भी की और जांच कराने की बात भी कही। मुख्यमंत्री कमलनाथ जी और शिक्षा मंत्री प्रभु राम चौधरी जी जरा फिल्मी सितारों की जगमगाती दुनिया से बाहर आकर अपने राज्य में बच्चों का भविष्य के साथ हो रहे खिलवाड़ को भी रोकिए, नहीं तो जैसे इनका भविष्य अंधकार में है वैसे ही कहीं आपकी सरकार का भविष्य भी अंधकार की ओर ना चल पड़े। सरकार का अगर आपके द्वारा ये बताया जा रहा है और मेरे संज्ञान में भी नहीं लाया गया है, और अगर ऐसे हमारे जो प्रधान पाठक हैं या जो प्रचारगण हैं या जो संबंधित संस्था प्रभारी है, इनसे जानकारी ली जाएगी कि वहाँ पे बच्चों से पानी क्यों डलवाया जा रहा था। और अगर बच्चे पानी लेकर आ रहे हैं तो ये तो बहुत निंदनीय कार्य है। बच्चे वहाँ पढ़ने आते हैं और उनको पढ़ाई वहाँ पर होना चाहिए। हम सबका ये उद्देश्य है कि भाई शिक्षा बच्चों को गुणवत्तापूर्ण मिले और अच्छी से अच्छी मिले। स्वच्छता अभियान हमारा चल रहा है और वो इसलिए अगर
शौचालय वगैरह अगर हम साफ कर रहे हैं तो वो शिक्षक की उपस्थिति में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चों के सुप्रत करके हम चले जाएं कहीं। अगर शिक्षक वहाँ पर खड़े हुए और सामने देखे उनके मार्गदर्शन में अगर ये कार्य बहुत निंदनीय कार्य है उनका, अगर वो लापता है और अगर इस प्रकार की, मैं इसमें जाँच कराता हूँ और अगर उसमें जो भी दोषी पाया जाता है तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई उसमें की जाएगी। और शिक्षक का उद्देश्य है कि एक घंटा पहले साला लगने के पहले आना है और एक घंटे बाद जाना है। सारे बच्चों को प्रार्थना स्थल से लगाकर शाम की प्रार्थना कराकर उनको छोड़ने के बाद विद्यालय छोड़ना, और इस बीच में अगर वो नहीं रहते हैं तो ये उनकी घोर लापरवाही है, इसमें उसे दंडित भी किया जा सकता है। सर क्या कार्रवाई होगी इसमें? जो भी उच्च अधिकारी के मार्गदर्शन के माध्यम से हम लोग इसका पूरा प्रपोजल बनाकर देंगे उच्च अधिकारियों को और वो जैसा चाहेंगे वैसी कार्रवाई होगी। मेरे द्वारा उसमें जाँच कर प्रस्तावित जाँच के आधार पर उच्च अधिकारियों को उससे अवगत कराया जाएगा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।